वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो आपको थंबनेल देकर पता चल गया है। ओके, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्क्रिप मत करना, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों बताता हूँ, जो आपको मैक्सिमम यूट्यूबर नहीं बताते हैं। वो क्या करते हैं, वो ब्रांड से घूस कमीशन ले लेते हैं, तो आपको प्रोडक्ट के बेस्ट फीचर्स ही बताते हैं, बट मैं आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों फ्रेंड्स बताता हूँ। ओके, तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ओके, तो वीडियो को फ्रेंड्स कंप्लीट वॉच करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, अगर आप चाहते हो कि आपको नॉलेजफुल वीडियो देखने को मिलते रहे, आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स इग्नोर मत करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। ओके, तो मेरा नाम है निशांत। सो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग, देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं इस फ़ोन का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और ये आपके लिए कैसा होगा। ओके, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, बैटरी बैकअप कैसा होगा, पिक्चर्स कैसी होगी। ओके, तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, सो डेट मेरा थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, देर आफ्टर में भी प्रोडक्ट को बाय करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करने लगूंगा फ्रेंड्स को। तो प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, कोई भी इग्नोर मत करना, आप सभी का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। तो एक दूसरे का सपोर्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। तो लुक आपको देखने को मिला कि कितना बेस्ट लुक आपको देखने को मिल जाता है, जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाओगे तो लुक आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है, काफ़ी गुड लुक देखने को मिल जाता है। बैक की बात करें तो आपको बैक का भी लुक काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिल जाता है, फ्लैश भी देखने को मिल जाती है, और 3 कैमरे भी देखने को मिल जाते हैं। और ये आईकॉल ब्रांड का ये फ़ोन होने वाला है फ्रेंड्स के, ये देखो। तो आपको फ्रंट का बिहाइंड का लुक कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स को, ये देखो आपको देखने को मिला है, साइड से कुछ ऐसा, इस साइड का ऐसा, इस साइड का ऐसा, ये कुछ लुक आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके मॉडल नेम की और इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये आपके लिए बेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो मॉडल नेम है आपको देखने को मिला है आईकॉल Z15। ओके, तो ये इसका मॉडल नेम है, इसमें आपको 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, मींस 4 GB का रैम, 64 GB का आपको इसमें स्टोरेज देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके, और इसकी MRP की बात करें तो ये आपको 6,799 रुपये देखने को मिल रहा है, बट मैं आपको बता दूं 6,161 रुपये से लेके आपको ये 6,700 रुपये के बीच में मिल जाता है फ्रेंड्स को। तो MRP ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम MRP आपको देखने को मिल जाती है। ओके, 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो नॉर्मल होने वाला है। कैमरे की बात करें तो आपको बैक का कैमरा 13 MP का देखने को मिल जाता है, फ्रंट का कैमरा 8 MP का। डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो आपको 6.82 इंच की आपको स्क्रीन का साइज़ देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप 5000 mAh का देखने को मिल जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप एक अच्छा, एक बेस्ट फ़ोन बाई करना चाहते हो तो ये फ़ोन गलती से भी बाई मत करना, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप बिल्कुल ख़राब होने वाला, बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होगा। ओके, डिज़ाइन भी, ओके, कुछ परफॉर्मेंस तो बहुत ही बैड है, कैमरा क्वालिटी बहुत ही ख़राब होने वाली है फ्रेंड्स, आपको ये फ़ोन बाई नहीं करना है। ओके, मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ, कुछ ब्रांड बताता हूँ, आप उन ब्रांड के फ़ोन बाई करना, बट गलती से भी इसको बाई मत करना, चाहे ये आपको 5,000 रुपये का भी मिले, ओके, तो भी आपको इसको बाय नहीं करना है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बैड होगी। ओके, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको बाय कर लो, आप इस इनकमिंग कॉल आए तो ये स्विच ऑफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और पबजी, फ्री फायर, इस पर आप कुछ नहीं खेल पाओगे, कैमरे की क्वालिटी इतनी बेस्ट नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके, बहुत ही बैड ये फ़ोन होने वाला है।
तो प्लीज़ इसको बाई मत करना फ्रेंड्स। तो मैं आपको कुछ ब्रांड बता रहा हूँ, आप इन ब्रांड के बाई कर सकते हो। आप रियलमी का बाई कर सकते हो, ओप्पो का बाई कर सकते हो, पोको का बाई कर सकते हो, वीवो का बाई कर सकते हो, मेट्रोला का बाई कर सकते हो, एमआई का, रेडमी का, सैमसंग का। ओके, तो आप इन ब्रांड के फ़ोन बाई कर सकते हो, बट आपको ये फ़ोन बाई नहीं करना है। अगर आप इसको बाई करते हो तो आपके पैसे डूब जाएंगे फ्रेंड्स। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आप ये फ़ोन बाई करोगे, आई काल का कोई भी फ़ोन बाई करोगे टच में, एंड्राइड में, तो उसमें आपके पैसे डूब जाएंगे। ये बहुत ही बैड क्वालिटी का फ़ोन है, आपको ये बाई नहीं करना है। इसमें ना तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा, ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, बहुत से लोगों ने इसकी आपको बिल्कुल बैड चीज़ बताई है, बहुत ही बैड फ़ोन होने वाला है फ्रेंड्स ये। ओके, तो आपको बाई मत करना फ्रेंड्स को। अगर आप चाहते हो कि आप कोई दूसरा अच्छा फ़ोन बाई करो तो आप वो फ़ोन बाई कर सकते हो, बट आपको ये फ़ोन बाई नहीं करना है फ्रेंड्स को। सो ये वीडियो इतना ही है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पर करूँगा। अदरवाइज उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा फ्रेंड्स को। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकमेंड करता हूँ, सुजेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि ये फ़ोन बाई मत करना, अदरवाइज आपके पैसे डूब जाएंगे। ओके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।